बात है कि हमारे पंचोवक्का जो म्यांमार बॉर्डर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर भी तो बहुत इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है, वहां का रोड कंडीशन देखिए ना, यहाँ रोड कंडीशन ठीक है ना, यहाँ हॉस्पिटल ठीक है, कहीं भी एजुकेशन सिस्टम भी तो ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नाम ही नहीं है। आप गांव-गांव चले जाइए, वहां स्कूल क्वार्टर ठीक है ना टीचर क्वार्टर है, अगर टीचर क्वार्टर है ही नहीं तो टीचर कहाँ से बैठेगा। इसलिए हमारा पंचोवक्का ये सबसे बैकवर्ड, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस में भी हम जीरो है। यहाँ के लोग मैट्रिकुलेशन कर नहीं पाता है, जो ठीक है मैट्रिकुलेट करके एक दो कॉलेज जाता है उनको भी इकोनॉमिकली पैरालाइज करके रखा है, जो पढ़ लिख करके आता है उनके लिए भी कोई एवेन्यूज नहीं है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के जरिए से मैं अपना जनता को यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप मुझे इलेक्ट कीजिए अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए और हमारे हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम को, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। और हंचून साहब ने जो नहीं किया है 25 साल में, मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपका प्रॉमिस को मैं फुलफिल करूंगा। आप मुझे 2024 पर अगर इलेक्ट करेंगे तो हम पंचोवक्का को नया पंचोवक्का बनाएंगे, जो हमारे अंडम साहब के पीरियड में 25 साल में इस चीज को पूरा खोखला करके रखा है, ये चीज को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बोल के मैं आपसे, हमारा जनताओं से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि आप मुझे चॉइस करके देखिए, होले में क्या कमी है, होले में क्या क्वालिटी है, कैसे पता चलेगा। इफ यू इलेक्ट मी एज एन MLA, मेरा क्वालिटी को आप देखने मिलेगा, मेरा क्या कैपेसिटी है काम करने का, जो क्षमता है क्या है वो आपको देखने मिलेगा। इसलिए मैं सारा हमारे पंचोवक्का के जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप, आजकल हमारा यो दुनिया जो है बहुत आगे भर चुका है, हम आर्ली बैंक नहीं है, आज के विचार के हिसाब से आज के इंडिया में क्या सिचुएशन चल रहा है, हमारा अरुणाचल में क्या सिस्टम चल रहा है, उसको देख करके आप सपोर्ट कीजिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, आपके लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और पंचोवक्का को हम नया और डेवलप पंचोवक्का बनाएंगे बोल के आपके माध्यम के जरिए से यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। तो फिर से गुड इवनिंग, जाते जाते आज के एपिसोड में मैं एक तो जो यहाँ के जनता है, जनता जनार्दन के जो सोच विचार को जानना चाहिए, कोई भी जो उम्मीदवार हो, चाहे वक्का हो पंचा हो, हमारे क्षेत्र के भीतर में जितने भी जो उम्मीदवार जो कंटेस्टेंट जो है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हर एक गांव के जो जनता के विचार, हर एक गाँव के जनता की जो अरमाने क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं खास करके जो यहाँ में जो अभी जो तादाद में जो आए लोगों से, आए हुए लोगों से, या यहाँ के जो युवाओं से मैं एक दो सवाल करना चाहूंगा